ये कैसा है? ठीक नहीं है जी। तो कैसे हो सारे? तो आज हम जा रहे हैं स्मिथ टॉयज पे। स्मिथ टॉयज दुकान का नाम है जहाँ पे बच्चों के खेल खिलौने मिलते हैं। और बच्चों की दुकान पे क्यों जा रहे हैं हम, इसके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है, छोटी सी क्या बड़ी सी न्यूज़ है आपके साथ शेयर करेंगे। स्मिथ टॉयज आयरलैंड में कहाँ पर है, क्या कुछ अंदर मिलता है। एनीवे गुड न्यूज़ की क्या गुड न्यूज़ है, चलो आपको चलकर बताते हैं। एनीवे स्मिथ टॉयज जा रहे हैं एक छोटी सी स्टोरीज के पीछे जो आपके साथ शेयर करते हैं। एनीवे मिलते हैं स्मिथ टॉयज। तो मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, धूप निकल रही है, 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और हम आ गए हैं स्मिथ टॉयज, यहाँ पे आप कोई भी बच्चों का सामान यहाँ ले सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप सामने स्मिथ टॉयज, स्मिथ के खिलौने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर जो होता है कि उसके काफी कपड़े होंगे, खेल खिलौने होंगे, तो घर पे सामान रखने के लिए हम ले लेंगे कि छोटा मोटा बॉक्स मिल जाए ना, जिसमें हम उसके कपड़े वगैरह कुछ भी खेल खिलौने वगैरह रख सकते हैं। तो पार्किंग लगा लेते हैं। और जो बैग गाड़ी में रखा हुआ है उसकी जो स्टोरी है, उसकी स्टोरी ये है। क्या स्टोरी है? स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, चलो फिर चलते हैं अंदर। जो पिंक कलर की है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने चेंज करना है इसको बॉयज के खिलौने के साथ, कि लड़के एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। तो अभी हम देखो यार, थाउजेंड्स खिलौने है ना, तो अभी गर्ल्स वाले सेक्शन से निकल कर चलते हैं हम बॉयज वाले में। लेना है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बाल वगैरह चिपक जाते हैं। हमारे योगा मैट देख लेते हैं। ये क्या है सर? ये जोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, तो फिर यही कर लेते हैं। ये कैसा है? ठीक नहीं है। तो हमने ली थी ये 18 यूरोस स्टार्टिंग प्राइस, फर्स्ट गिफ्ट वाज फॉर द बेबी। लेकिन अब क्या है कि इसको हम वापस कर रहे हैं और हम ले रहे हैं कोई ऐसा खिलौना। तो ये था अपना स्मिथ टॉयज, लिया हमने मैट और एक छोटा सा खिलौना। इस स्पेस काफ़ी कम हो जाता है, अब खिलौने उसके कपड़े कुपड़े रखने के लिए ना जगह चाहिए, तो जगह बनानी पड़ेगी। अब तो किसी बॉक्स बॉक्स लेते हैं। बस तो एक लैंप लेना था यार, जिसको टच करते हैं वो जल नहीं जाता है, टच लैंप था, लेकिन वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। ये अच्छा लग रहा है ना, ये दिवाली हो रही है इधर ना। उसको अगर आप टच करोगे तो चल जाएगा, एक ऐसा से लैंप होता है, ये 30 यूरो का लगा हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे टच लैंप होता है ना, कि टच करने से जल जाता है, और उसकी रोशनी भी उसे आपसे जितने बार टच करोगे वो जलता रहेगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना। टच लैंप है, टच वाला ये ही है इनके पास ना। 5-5 यूरो के लगे हुए हैं। ये अपना रोज है ना, तो ये वुडीज के अंदर ही है सारा ना। ये बॉक्स ले लेते हैं बच्चे के लिए, सामान सामान घर पे जैसे स्टोरेज के लिए ना। तो हमने एक ये ले लिया और एक ये छोटे वाला लैंप ना पसंद नहीं आया, टच था वो लेकिन ना वो थोड़ा छोटा था, अजीब सा ही लग रहा था देखने में। तो हमने दे लिए हैं बॉक्स, बॉक्स थोड़ा स्टोरेज के लिए, जैसे बच्चे के खिलौने वगैरह हो जाते हैं ना, और बच्चे का थोड़ा सामान कपड़े वगैरह हो जाते हैं काफ़ी, तो वो स्टोर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मक्खन मक्खन निकालने के लिए तो नियरली हो गया अपनी सारी शॉपिंग, और ये ब्लेंडर हाँ जो फाइनली मिल ही गया है पीछे सामान मैट मुट घर पे लगाने के लिए। अभी तो टाइम वेस्ट काफी होना है, घर की सेटिंग करनी है और क्या,
हाँ तो बस होपफुली आपको आपको अच्छी लगी होनी वीडियो। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आप देखोगे जिसमें भी शेयर करेंगे कि क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। और अभी तो बहुत चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में ना, कहते हैं ना कि अभी सोलो जितना सोना है, तो अभी तो लाइफ बिजी होने वाली है। तो एनीवे होपिंग फॉर द बेटर एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइस टेक केयर।